यार एक प्रॉब्लम ये आती है, मुझे कमेंट भी आते हैं बहुत सारे भाई कि यार हमारा जो मीशो है, हमने एक ऑर्डर किया था 400-500-1000 रुपये का, जितना भी आपका ऑर्डर किया था आपने, ठीक है, आपको पता ही होगा, उसका भाई रिफंड नहीं आ रहा भाई हमारा। तो भाई रिफंड कैसे आएगा, पैसा प्रॉब्लम है फर्स्ट, जो कि आप लोग टेंशन में हो, मुझे पता है कि आपका रिफंड नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो रिफंड कैसे आएगा, इजिली प्रोसेस है, अगर आपका रिफंड फंस चुका है, रिफंड बैंक पर नहीं आ पा रहा है, बार बार कस्टमर केयर को कॉल कर रहे हो आप लोग, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो वीडियो को देखना तो बनता है भाई। उससे पहले थोड़ा सा मोटिवेट करो मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि जब भी कोई वीडियो आती है तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। इसका भाई देखो, मैंने ऑर्डर किया, शिफ्ट हुआ, डिलीवरी हो जाए मुझे, मैंने रिटर्न कर दिया, 482 रुपये का ये प्रोडक्ट था, इसका रिफंड इजीली मेरे अकाउंट पर आ चुका है, ठीक है ना। अब भाई हम बात करेंगे कि ये रिफंड आपके में क्यों नहीं आ रहा, आपका जो रिफंड है वो ऐसा तो दिख ही रहा है, लेकिन इसका जो पैसा वो खाते पे नहीं आ रहा है, तो ये भी आपकी गलती है। अब आप बोलोगे भाई मेरी कौन सी गलती है, तो मैं बता रहा हूँ आपने किया क्या, ठीक है ना। सबसे पहले भाई आपने किया क्या कि जो आपका बैंक इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं मिस आउट आपने फिल कर दिया होगा। अब ये कमेंट्स भी आएंगे कि भाई मैंने बैंक अकाउंट सही सही फिल किया है, फिर भी नहीं आ रहा है। तो उसका दूसरा कारण ये है कि आपने जब ऑर्डर कैंसिल किया था, जब आपने रिटर्न किया था, तब आपको माइंड में आया था कि भाई मुझे तो बैंक इन्फॉर्मेशन भी ऐड करना है, लेकिन आपने रिटर्न कर दिया, बाद में आपने बैंक अकाउंट को फिल किया, बाद में मतलब रिटर्न करने के बाद जो रिफंड होता है उसका जो बैंक इन्फॉर्मेशन है आपने बाद में ऐड किया, इसके कारण आपको रिफंड नहीं आ पाया, क्योंकि प्रोसेस उस टाइम पर हो चुकी थी, रिफंड आपका कंपनी ने भेजा लेकिन वो फंस गया, क्योंकि आपका बैंक इन्फॉर्मेशन ऐड ही नहीं था। फिर आपने बाद में आके ऐड किया, पहले रिटर्न कर दिया, फिर आपने ऐड किया, अब आप कह रहे हो कि हमारा जो पैसा है मीशो का वो रिफंड नहीं आ रहा बैंक अकाउंट पे। तो भाई आपको करना क्या था, आपको पहले बैंक अकाउंट को फिल करना था रिटर्न करने के पहले, इसके बाद अपने ऑर्डर्स को रिफंड करना था। तो आपने ये मिस्टेक कर दिया, और यहाँ पर अपने UPI भी आपको फिल करना था, दोनों चीज़, क्योंकि रिफंड कभी कभी UPI प्लस बैंक अकाउंट में कहीं भी आ सकता है। अब आपसे गलती हो चुकी है, तो आपको सिंपल करना क्या है, सुनो, आपको कस्टमर केयर में कॉल करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना कोई भी सलूशन नहीं है। आपको सिंपल इस हेल्प सेंटर पर जाना है। देखो कॉल करने के बाद आपको करना क्या है, आपको ये सुनना है, आप कॉल करते हो आप सीधे रिफंड की बात करते हो, आप प्रोसेस नहीं बता पाते हो। आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर मैं हेल्प सेंटर में क्लिक कर चुका हूँ, यहाँ पर ब्राउज़ टू ऑल हेल्प्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको कैन फाइंड इशू पर क्लिक करना है, दोबारा क्लिक करना है, यहाँ पर कॉल बैक पे क्लिक करना है। सिंपल क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करना है और सबमिट करना है। ये मेरा कॉल बैक रिक्वेस्ट जा चुका है। अब भाई सुनो, अब करना क्या, सुनो, आपको सिंपल कहना है भाई कि जो मेरा ऑर्डर है सर, मैंने ऑर्डर किया था, इसका रिफंड नहीं आ पा रहा है, ये कब तक आ पाएगा मुझे, इसका जो मेरा शिकायत जो हेल्पलाइन नंबर है, इसको टिकट नंबर मुझे क्रिएट कीजिए। वो एक टिकट नंबर आपको क्रिएट करेंगे, आपको आप उन्हें मेल भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो सिंपल कस्टमर केयर में कॉल करना ही पड़ेगा और इनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, उनसे पूछे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है मेरे, इसको प्रॉब्लम बताइए, मैं इसको फेस कर दूंगा खुद भी, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स नहीं बताते, वो बोलते हैं सर कि रिफंड आ जाएगा 2-3 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, संडे हो अगर ना हो तो आ जाएगा। तो आपको सिंपल कहना भाई कि मुझे एक इसका रिफंड चाहिए किसी भी हालात पर, वरना मैं कंप्लेंट करूँगा, कहीं सोशल मीडिया पे शेयर करूँगा आपकी मीशो का टैग करके। थोड़ा सा हल्का सा आपको थोड़ा सा ऊंची आवाज़ पर बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और उनसे कहिए कि मुझे टिकट नंबर मुझे जनरेशन करके दीजिए। टिकट नंबर से होता क्या कि आप दोबारा से जब हेल्पलाइन करोगे, शिकायत करोगे, तो आप सीधे बोलोगे सर मेरी टिकट नंबर ये है, शिकायत नंबर मेरी ये है, इसमें मेरी समस्या का समाधान है, ठीक है ना। तो हमेशा टिकट नंबर आपको क्रिएट करवा लेना है, और इससे ही आपका रिफंड आ पाएगा। जो मैंने आपको बताया कि जो गलती आपने की थी, अगर आप वो गलती कर चुके हो तो रिफंड आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आ जाएगा, ठीक है ना। और आई होप कि आप अगली बार ऐसी गलती नहीं करोगे, मुझे उम्मीद है पूरी, ठीक है ना। तो भाई वीडियो कैसा लगा, वीडियो नॉलेजेबल हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलती है नेक्स्ट वीडियो पर। कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, मैसेज कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम पर, ठीक है ना भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।